आप देख रहे हैं न्यूज एंड चैनल, आप सभी का इस्तकबाल है न्यूज एंड चैनल पर। आइए देखते हैं आज की अहम खबरें। हेलो जी सर, अरे भाई फोन करो भाई, अरे भाई से ना करो ना, अरे भाई से ना करो ना, बाहर से ना करो ना, अरे ऊपर से ना करो, हम मैं भी आ ले रहा हूँ, खा लिए ना थोड़ी देर में। अभी यहाँ पर जो सुसाइड केस हुआ है, अभी यहाँ पर दो घंटे से हबीब नगर पीएस लिमिट्स एमएस स्कूल की लाइन में दो घंटे से सुसाइड केस हुआ। अभी नाइट जोन ऑफिसर आए, पुलिस दो घंटे से वेट कर रहे, क्लूज टीम के लिए वेट कर रहे, दो घंटे हो गया सर, अभी दो घंटे तक नहीं आया। जोनल ऑफिसर से पूछ रहे तो उन्होंने बोल रहे आएंगा 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 बोल के बोले। अभी उन्होंने भी भर के गए, जब से ठहरे 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 हमारे पास। क्या करना सर, इसके लिए एक्शन लीजिए डीजीपी सर आप। क्लूज टीम को कॉल करे तो ना स्टाफ नहीं है बोल के बोल रहे, जोनल ऑफिसर को बोले हम लोग तो कॉल करे, अभी कॉल करे टीम नहीं है बोल के बोल रहे। दो घंटे से बॉडी लटक रहा वहाँ पर हैंगिंग में, फैमिली पूरा रो रहा सर उनका। क्या करना सर, तकलीफ होता है सर देख के। डीजीपी सर आप एक्शन लीजिए ये चीज़ के ऊपर, आप जल्द से जल्द क्लूज टीम के ऊपर एक्शन लीजिए आप। मल्लेपल्ली बड़ी मस्जिद के पास एमएस स्कूल है ना बच्चों का, हाँ उसकी गली में ही है। ठीक है सर, यहाँ पुलिस है सर, आगे पुलिस। नहीं मालूम सर कौन है मुझे तो। मेरा नाम हरिनाथ है, मेरी बीवी का नाम शाहीन है, मेरा एक बेटा है 18 साल का, हमारी शायद 24-23 साल के ऊपर होगा। और बोलते सो मेरी बीवी बाजूगाल से लड़े से लड़ाई हो गई, बस उनके अम्मा के घर को गए, मेरा बच्चा पकड़ के लेके आया, चलो जान दो बोल तो दोनों। फिर अम्मा बेटे खिरकिरी कर लेके चले गए, जाके उनकी बहन कहने आ जाती हूँ वहीं सो जाओ तुम ना चले गए बोले तो मेरा बच्चा मैं सो गए। फिर उन्होंने आए खाना खाए क्या तुम ना, तो हम खा लिए बोले तो ठीक है मेरी तुम्हारा खा लिए ना सो जाओ बोले तो ठीक है। कपड़े धोते बोल के बालकनी में गए होंगे, दरवाज़ा इधर बच्चा जाके अंदर सो गया, मैं मेरे पलंग पे सोया, सोए तरह नींद मेरे को भी लग गई बच्चे को भी लग गई। आगे पुलिस वाले खटका मारे तो देखे तो क्या बाहर पुलिस वाले मारे खटका मारे पास भी हमको नहीं मालूम, बाहर ऐसा लाश पड़ हुई इनकी बोल देखे बाहर आए बच्चे को उठाया हमें फांसी डाल लिए बोल के मालूम भी नहीं, जाके देखे तो क्या है फांसी डाल हुई कुर्सी से एक टंग लटक हुई उनकी। मेरे से झगड़ा नहीं कुछ नहीं, मैं तो समझाता हूँ यहाँ पे पूरी इंक्वायरी कर सकते हैं, मैं हमेशा समझाता हूँ कोई भी मेरे बारे में बोले तो बोलते बहुत समझाता बेचारा, कभी भी किरकिरी कर लिया तो समझाता हूँ बच्चे से, बच्चे को भी समझाता हूँ नहीं लड़ना कुछ भी, बाजू काजू का से भी नक्को लड़ो बोलता हूँ। वो क्या किराक पाना छुटका कि बेटे के ऊपर से जाके सीधा आए सो है, कभी 10 बार ऐसा करने गए मगर कि ऐसा कभी भी करते ना, कभी गैस का तेल डाल लेती हूँ बोलते ऐसा समझाता था मनाता था बेटा तो।
पर इतना बड़ा काम हो जाता बोल के मेरे को नहीं मालूम, मैं भी सो हुआ था। सब लोग आके उठाए तो उठो बोले तो मैं परेशान हूँ, कौन है घर में, इन्हों कहाँगे बोल के देखा तो क्या अंदर बच्चे को उठाया तलक बालकनी में, इनके एक टांग कुर्सी पे फांसी लटका हुई है। शाइन मेरा बेटा 18 साल का है सर। नहीं बाजू वालों से झगड़ा नहीं, बच्चे से भी बाजू वालों से होते रहता झगड़ा, एक बार नहीं दो तीन बार हुआ। होती बात बेटे को क्या करे, बेटा भी एक दो तीन बात ना बोला, क्या है जी तुम घड़ी घड़ी लड़ते जान दो, चलो बोल के ऊपर खींच के लाया, इसको एक दो पचकड़ा मारे। बच्चा भी क्या करा, तुम कभी भी ऐसे करते मैं चले आता हूँ बोल के बोला, तो फिर मेरे को फ़ोन करा बच्चा तुम जल्दी आओ जी मैं चले आता हूँ। बोलता था बच्चा का काम करता हूँ लखनऊ में, वहाँ पे बंजर रोड नंबर 12 पे, जान दे बेटे कल सुबह को ड्यूटी जाना है ना, 4-5 दिन से तुम ड्यूटी भी नहीं जा रहे, सब लोग आठ चीज़ के तुम जाओ बोल के, ठीक है कपड़े इस्तरी कर लेता हूँ बोल के, कपड़े वगैरह सब कर लिया, सुबह जाता ना बोल के मैं सलो बोल के सुला दिया। आए तो लगे हुआ सब तमाशा, हम ना यहाँ के रहने वाले आप, यहीं से यहीं पैदा हुए यहीं बड़े हुए। क्या काम करते हैं? मैं प्लाटा में भी जाता हूँ और पेंट पॉलिश वाल पेंट का भी काम करता हूँ, और प्लाटा भी मैं छोटे मोटे प्लाटा व्लाटा बिकाता हूँ मीडिएटर के साथ, और रियल इस्टेट वही उसके भी प्लाट हैं छोटे मोटे बिकाता हूँ कहीं पर भी। सब हाँ लव मैरिज है सब, मैं लव मैरिज बताऊँ कि घर वालों को भी मालूम था, 22-23 साल से कम 23 साल 24 साल के करीब हो रहा, और घर वालों को मालूम था तो बात करके मैं लव मैरिज कर लिया। आपका कास्ट अलग है, उनका कास्ट अलग है, तो आपके कास्ट में आप रहते हैं? हाँ उनको मैं उन्हें कन्वर्ट में दिया, आपका जो भी है नमाज वमाज पढ़ा तो मैं राइट बोलता था तुम्हारे कास्ट में, तुम कुछ बच्चा बोलते मेरे कास्ट में था। अच्छा। मैं वो भी बोला था उनको जो भी अगर मौत मट्ठी भी करेंगे तो मेरी मेरे मम्मी लोगों को दे देना, कभी भी ऐसी बोलते थे कभी मैं मरो या तुम्हारे से पहले मैं मरूँगी तो मेरे अम्मा लोगों को दे देना मेरी मौत आ, देखो मेरे को तुम्हारे लोगों में अच्छी बात है। मैं बोला था ठीक है जैसा तुम जैसा बोले वैसे ही बोलता था। हाँ पढ़ते थे ना, हाँ रोज़े में रहते थे, अभी जरा उनको थायराइड था, 2-4 जितना हुए होते रहते थे, मगर कि नमाज वमाज पढ़ लेते थे।